मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं, मेरे दिल की तमन्ना है कि तुझ में डूब जाऊं मैं, तुझे दिल में बसा लूं और ये दुनिया भूल जाऊं मैं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं तुझ में डूब जाना चाहूं यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। आज से हम हिंदी भाषा में परमेश्वर के वचन को सीखने जा रहे हैं। एक ऐसे विषय पर हम लोग अपनी दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे जो हमारे सबके लिए एक दिलचस्प विषय है और सबके लिए जरूरी विषय है, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। वह है हमारा दिल, हमारा हृदय। और इस हृदय के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है। हमारा परमेश्वर हमारे बाहरी स्वभाव को नहीं देखता, परंतु हमारे अंदरूनी स्वभाव को देखता है, हमारे दिल की स्थितियों को देखता है, दिल के हालात को वो जानता है, पहचानता है और उसको निहारता है। इसलिए मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसे माना जाए वह है हमारा दिल। और आज हम हृदय के विषय में परमेश्वर के वचन से आज से लेकर कई दिनों तक आगे हम लोग हमारे हृदय के विषय में विभिन्न मुद्दों पर परमेश्वर के वचन को सीखने का प्रयास करेंगे। आज पहले दिन में वचन में आपके लिए सबके लिए पढ़ना चाहता हूं नीति वचन, उसका चौथा अध्याय और उसका 23 पद मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूं और उसके बाद में हम लोग दिल के विषय में, हृदय की विभिन्न स्थितियों के विषय में बाइबल पवित्र शास्त्र से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। नीति वचन चौथा अध्याय उसका 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अब ये वचन हमको बताता है कि मन की रक्षा करने के लिए हमें स्वयं प्रयास करने चाहिए। हमें इस दिल को परमेश्वर के वचन से भटकने से रोकने की कोशिश करनी है। हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा दिल वास्तव में परमेश्वर के साथ है, हमारा दिल परमेश्वर के वचनों में है, हमारा मन ईश्वर से दूर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? और इस बात को जांचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को देखना आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करते हमको पता चलता है कि हमारा दिल हमारा मन कहाँ है, परमेश्वर और उसके वचनों से कहाँ है, परमेश्वर की उपस्थिति से कहाँ है, प्रार्थना में सही में हमारा दिल लगता है या नहीं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करने में सही में हमारा मन है या नहीं है, या हम बाहरी तौर से ये सारी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन से लेकर कई दिनों तक हम दिल के बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ दिलचस्प बातों को देखने का प्रयास करेंगे। मेरे आपसे निवेदन है कि आप इस पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक आप प्रार्थना के साथ और बड़ी उत्सुकता के साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखने की इच्छा के साथ आप यदि इन भागों की ओर दृष्टि करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमें अद्भुत बातें सिखाएगा। इन दिनों में जिस हालत से हम लोग गुजर रहे हैं, हमें हमारे दिल की ओर फिर एक बार झांकना और सही में हमारी हृदय की स्थिति क्या है, स्थिति को जानकर
हमें परमेश्वर के वचनों में अपने दिल को लगाना है, ईश्वर की उपस्थिति में हमारे दिल को लगाना है और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक दिल हमें तैयार रखना है। आइए एक उदाहरण के द्वारा एक वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं और इस वचन को, ये जो पवित्र शास्त्र का भाग है, इसको मैं पढ़कर एक उदाहरण के तौर पर हम दिल की बात को समझकर आगे आज पहले इस भाग में दिल का, दिल के विषय में एक हृदय की स्थिति नंबर एक, मतलब एक भाग कर हम मनन करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, समूएल की किताब पहला समूएल और उसका 16वां अध्याय और 6 से लेकर 13 पद, इन पदों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला समूएल उसका 16वां अध्याय 6 पद से लेकर आगे 13 पद तक वचन पढ़ता हूं। जब वे आए तब उसने इलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने समूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर बनी रहती है। मैं दोबारा इस वचन को पढ़ता हूं क्योंकि हमारे विषय का मुख्य वचन यही है। परंतु यहोवा ने समूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ईशे ने अबीनादाब को बुलाकर समूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईशे ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार ईशे ने अपने 7 पुत्र को समूएल के सामने भेजा और समूएल ईशे से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब समूएल ने ईशे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चराता। समूएल ने ईशे से कहा, इसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। फिर एक बार दोहराता, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। यही तब समूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब समूएल उठकर रामा को चला गया। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, जिस विषय में कई दिनों से अध्ययन करने के लिए आपने मुझे मौका दिया और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कई दिनों तक आप मुझसे बात करते रहे, मैंने आपके वचन जानने का प्रयास किया, आपने मुझे एक रहस्य को खोल के बताया। परमेश्वर आज अपने लोगों के सम्मुख इन्हीं वचनों को बोलने के लिए आप मुझे शक्ति प्रदान करें, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा नियंत्रण लें और मुझे आपके वचनों को सही तरीके से बोलने के लिए सहायता कीजिए, जिसके द्वारा परमेश्वर सुनने वाले इस वचन को सुनकर समझे और हम सब मिलकर उसके अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा दे दीजिएगा। यीशु के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। तो आइए, हमने जिसके विषय में बात की हम उस विषय को आगे बढ़ते हैं, इस विषय को मनन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि समूएल नबी को परमेश्वर बेतलेम वासी ईशे के पास भेजता है, भविष्य में दाऊद को राजा का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर समूएल नबी को भेजता है बेतलेम।
जब समूएल नबी बेतलहम को गए, बेतलहम के पुरनी उसके सामने आए और पूछा कि आप किस काम के लिए आए, क्या आप अच्छी खबर लेके आए, अच्छे मनोभाव से आए। समूएल ने कहा मैं सही और अच्छे मनोभाव से आए। नबी फिर कहता है, उसने बोला कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए यहां आया, इसलिए इस यज्ञ में उसने यीशु और उसके पुत्रों को भी बुलाया, उनके साथ कुछ पुरनीय भी थे। और परमेश्वर की ओर से समूएल को, दाऊद को भविष्य का राजा होने के लिए अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने भेजा था। जब यीशु के पुत्र आ गए, पुरनीय बैठ गए और राजा का चुनाव करने का वक्त आ गया, तब यीशु का पुत्र एलियाब और उसके 7 पुत्र जो वहां उपस्थित थे, एक एक करके समूएल देखने लगा। जब एलियाब पर दृष्टि की समूएल नबी ने, तो नबी मन में कहने लगा कि नीचे ही यही है जो परमेश्वर का अभिषेक थे, इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे, इसका अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। परंतु परमेश्वर ने समूएल नबी से कहा, तू उसके रूप पर दृष्टि मत कर, ना उसकी कद की ऊंचाई पर देख, मैंने उससे अयोग्य जाना है, वो अभिषेक नहीं है, मैंने उसका अभिषेक करने के लिए तुझे नहीं भेजा है। और आगे परमेश्वर ने नबी को कहा, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी होती है। हमारे विषय में हम फिर एक बार सब लोग पूरा मन लगाकर हमारे विषय की ओर हम आए। परमेश्वर के वचन में कहा, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। हम कई बार मनुष्य को उसके बाहरी स्वभाव से, उसके बोलचाल से, उसके रहन सहन के ढंग से हम व्यक्ति को पहचानने का प्रयत्न करते हैं, और उसके साथ हमारा हमारा संबंध बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। परंतु परमेश्वर के वचन में स्पष्ट यहां लिखा गया है, परमेश्वर मन को देखता है। यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है, वो मन से इंसान इंसान को देखता है, मन से इंसान को पहचानता है और उसे नियुक्त करता है। इसलिए हमारे दिल परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसा केंद्रीय स्थान है, जिस दिल को देखकर परमेश्वर हम सबों का उपयोग करता है और उसके कार्य के लिए हमारा चुनाव भी करता है। तो हम देख चुके कि उसने 7 बच्चे थे इसी के, एक के बाद एक चला गया, अंत में पूछा और कोई लड़का है या नहीं, इसे बोला एक छोटा रह गया, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। और हम जिसके विषय में हम सुन रहे वो है दाऊद, जब वो छोटा था भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाया करता था, उसको बुलाया, नबी ने बोला कि जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हम खाने को न बैठेंगे। जैसे ही दाऊद को बुलाया गया, नबी ने उसको देखा, वचन में लिखा है वो तो उसकी तो लाली झलकती थी, आंखें सुंदर थी, उसका रूप सुडल था। और परमेश्वर ने उससे कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, उठकर इसका अभिषेक। और अभिषेक करने के बाद दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा, ऐसे लिखा है कि बल से उतरता रहा, एक ही बार नहीं उतरा, बल से उतरता रहा। ये था दाऊद। परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए राजा के रूप में चुना कि उसका दिल सही था, वो मन का सच्चा इंसान था। ईश्वर के सामने जब वो स्तुति आराधना किया करता था तो वो दिल से किया करता था। जब भी वो ईश्वर के सामने वीणा बजाता था और गाकर उसकी आराधना करता था तो वो सच्चे दिल का इंसान था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना। आज हम जब परमेश्वर के सम्मुख आते, आराधना में आते, विभिन्न उपासना की उपासना में हम सहभागी होते, हमें अपनी ओर देखना है, हमारे दिल को देखना है, क्या सचमुच हम
सही दिल की सही स्थिति को लेकर या फिर सचमुच हमारे हृदय से हम उस परमेश्वर के उपकारों को याद करके उसकी उपासना करना चाहते, सचमुच हमें उसके वचन की भूख है, सचमुच उसकी संगति में हम पूरे मन से जाना चाहते, प्रार्थना के द्वारा हमें इस बात को सोचना चाहिए। आज हम परमेश्वर के चुनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर एक व्यक्ति को किस प्रकार जानता और देखता और पहचानता, इस पद्धति को ध्यान में रखते हुए हमारे दिल को हमें स्वयं को देखना है। क्या हम सचमुच अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं? जैसा हमने मुख्य वचन हमारे विषय का मुख्य वचन पढ़ा, नीति वचन 4:23 पद से, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर क्योंकि इसी से जीवन के सोते बैठे। अनंतकालिक जीवन जो सनातन काल का जीवन है उसका सोता हमारे दिल में हमारे हृदय में है, इसलिए हमारे हृदय की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम किस प्रकार निभा रहे हैं? दिल की रक्षा करने का मतलब है कि अपने आप को अपने दिल को भटकने से रोकना है, अपने आप को इस तरह रोकना है, अपने आप को इस तरह रोके रखना है कि हमारे दिल के अंदर ऐसी कोई गलत चीजें प्रवेश न कर पाए और हमारे विचार बिगड़ न पाए, हमारी कल्पनाएं परमेश्वर के विरुद्ध में न होने पाए। इस बात को हमें बड़ी सावधानी के साथ देखना है। तो आइए आज के मनन के लिए हम दिल की नंबर एक मुद्दे पर हम दिल की स्थिति के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बातों को बताकर आज के मुख्य मुद्दे की ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मत्ती की किताब उसका 7:20 में वचन में लिखा है, पेड़ को फल से पहचान। अभी इंसान को उसके बाहरी रूप से नहीं पहचाना जाता, जैसे पेड़ कितना अच्छा है ये पेड़ की सुंदरता से नहीं पहचाना जाता, फूल कितना सुंदर दिखता है उसकी फूल के दिखने से नहीं बल्कि उसकी खुशबू से पहचाना जाता है। इसी प्रकार पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है कि ये सचमुच में ये पेड़ कितना अच्छा है या बुरा है। गलाती की किताब 5:16 जब 16 से लेकर आप 21 वचनों तक पढ़ेंगे तो शरीर के कामों के विषय में लिखा है। एक इंसान की दिल की स्थिति परखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को मध्य में रखना है, परमेश्वर के वचन को देखना है और तब हमें अपने आप को परखना है कि हमारे दिल की स्थिति क्या है। यहां लिखा है, यदि मनुष्य परमेश्वर से दूर है, यदि किसी मनुष्य ने अपने दिल की रक्षा नहीं की है तो उसके दिल में कौन सी बातें रहेंगी, यहां लिखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला करना। कम से कम 15 बातें लिखी है जिस व्यक्ति ने अपने दिल को नहीं संभाला, जिस व्यक्ति ने अपने मन की रक्षा नहीं की, इस व्यक्ति के दिल में कौन सी बातें हो सकती हैं, मैंने आपको पूरा ब्यौरा सुना दिया है, एक एक काम के बारे में पढ़ के सुनाया है। यदि ये काम हमारे दिल में महसूस होते, अनुभव में आते तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा दिल परमेश्वर से भटक चुका है, हमारा दिल अपने आप से भटक चुका है, हम परमेश्वर के राह को छोड़ चुके हैं और संसार की इस गंदगी में हम लिपट चुके हैं, हमारा दिल किसी गंदगी में पड़ चुका है, इसका अर्थ ही होता है। उसके आगे के वचनों में लिखा है आत्मा के फलों के विषय, ऐसे लिखा है कि ये जो काम अभी हम सुनने जा रहा है ये
परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं, कौन सा काम? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। नौ प्रकार के फल है, ये नौ प्रकार के अनुभव है जो एक व्यक्ति को उद्धार पाने के बाद इसके दिल में ये चीजें, ये अनुभव रहते हैं। एक व्यक्ति को कैसे पहचाने कि उसका उद्धार हो गया है? यदि आपको एक व्यक्ति को उद्धार के बारे में अपने आप को जांचना है तो इन बातों को देखिए, उसके दिल में क्या ईश्वरीय प्रेम उसके दिल में है, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, जैसा प्रभु हमसे प्यार करता, क्या वैसा प्यार उसमें से कुछ तो उसका अंश हमें दिखाई देता है, कुछ हद तक हमें उसके उस प्यार को हम देखते जो यीशु के दिल में था, वो एक यीशु को जानने वाले व्यक्ति के दिल में से निकलने वाले उस प्यार से वो प्यार हमें दिखाता है कि सचमुच हमारा उद्धार हुआ या नहीं हुआ। आगे नौ बातें हैं, हमें अपने आप को देखना है कि हमारे दिल में कौन सी बातें बढ़ रही है, हम कौन सी बातों को सोच रहे हैं, हमारी कल्पनाएं किस प्रकार की। क्या ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई आत्मा के फल के विषय में नौ बातें, कि ये बातें आपके दिल में बढ़ रही है, आप अपने स्वयं इस बात को जांचिए और अपने आप को इन नव अनुभवों की और अपने दिल को इस नव अनुभव की ओर बढ़ाने की कोशिश करें और अपने आप में विकसित करें परमेश्वर के इन महान गुणों को जो आत्मा के फल कहलाते हैं। अब हम दिल की आज के मनन की पहली स्थिति, गलत हृदय की पहली स्थिति को देखने जा रहे हैं। दिल हमारा गलत हो सकता है, दिल हमारा सही हो सकता है, हमारे हृदय एक सही दिशा में जाने वाला हो सकता है, हमारा हृदय एक गलत दिशा में जाने वाला हो सकता है। आज हम गलत दिशा में जाने वाले हृदय की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। जब आप इस विषय को पूरी तरह से समझते हो तो आगे जाकर कई सारे मुद्दों पर हमें इस विषय पर चर्चा करना है। अब पहले दिन से हमारे साथ बने रहे, वचन को जब हम सुनते पढ़ते तब आप बाइबल लेके बैठे और इस अध्ययन को आप बारीकी से करें ताकि हम सबको ये समझ में आए और परमेश्वर की इच्छा को अपने दिल में पूरी करने के लिए हम अपने आप का, हमारा दिल हम ईश्वर को समर्पित करें। आइए वचन, पहला वचन और पहले मुद्दे का पहला वचन मैं आपके सामने पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब और उसका छठवां अध्याय और पांच पद से लेकर आठ पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और हृदय की, गलत हृदय की पहली स्थिति के बारे में हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। फिर एक बार आठवें वचन को पढ़ता, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब हम हृदय की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। यहां हम गलत हृदय की स्थिति को देख रहे हैं, बुरा हृदय, गलत हृदय की स्थिति के विषय पर हम पहली बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं और पहली बात है, पहला मुद्दा हमारा है बुरा हृदय। जिस हृदय में बुराई छिपी हुई है वो हमारी सामान्य आंख से नहीं दिखती है, परंतु जब उस बुराई के कार्य हमारे सम्मुख आते हैं, उस बुराई के काम जब वो व्यक्ति करने लगता है, तब हमको पहचान में आता है कि इसके दिल में
इसके हृदय में बुराई छिपी थी, परंतु परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आंखें अंधियारे में उजाले की नहीं देखती, और उन आंखों को आज भी पता चल रहा है, अभी भी वो आंखें हमको देख रही कि हमारे दिल में हमारे हृदय की स्थिति गलत दिशा में जा रही या सही दिशा में जा रही, किस प्रकार का हमारा दिल है हमारा परमेश्वर जानता है। और यदि ये वचन सुनने के बाद आपको समझ में आए कि सचमुच हमारे हृदय की स्थिति एक गलत दिशा में है, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने हमें नम्र करना चाहिए, हमें सत्य परमेश्वर के सम्मुख बोलना चाहिए कि प्रभु इस बुरी स्थिति को, बुरे हालात को, मेरी हृदय के बुरे हालात को स्वच्छ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, यीशु के लहू से मुझे धोकर साफ कीजिए और मुझे एक नया इंसान बनने के लिए, मेरे दिल को एक नई राहों पर ले चलने के लिए मुझे मदद कीजिए। यहां हम देख रहे हैं नूह के समय में परमेश्वर ने स्वयं अपने पवित्र निगाहों से देखा, परमेश्वर अपनी पवित्र आंख से देख रहे कि जब वो देख रहे तो उन्होंने ऐसे देखा कि मनुष्य के हृदय की हृदय विचार बिगड़ चुके और उसकी कल्पनाएं बिगड़ चुकी। वचन में हमने पढ़ के सुना आपको कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, पूरी तरह से बुराई बढ़ गई, और ये बुराई उनके कार्यों में इसलिए आई कि उनके मन के विचार बुरे हैं। जब भी वे विचार करने लगते तो बुराई इनके मन में आ जाती है, बुरे विचार उनके मन में आते हैं, जबकि मनुष्य के मन में बुराई के अलावा सत्य के विचार आने चाहिए, अच्छे और भले विचार आने चाहिए। सुबह उठने से पहले हमें किसी अच्छी बातों के बारे में हमें विचार करना चाहिए, हमारे विचारों में परमेश्वर के वचनों की सच्चाई होनी चाहिए। परंतु हम वचन में देख रहे हैं कि नूह के जमाने में लोगों के विचारों में भी बुराई थी, और जब भी वे विचार करने लगते तो उनके विचारों से जो कल्पनाएं उत्पन्न होती थी, जो कल्पनाएं हम करते कई बार विचारों से, वो भी बुरी थी। इसका मतलब मन बुरा था, दिल के अंदर बुराई की जड़ें लगी थी, और मन बुरा होने से कल्पनाएं जो निकलती थी वो भी बुरी थी। और इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य के इस बुरे हृदय को देखा, मनुष्य के हृदय की इस गलत स्थिति को देखा, तब परमेश्वर ने बोला कि निरंतर उनके अंदर बुराई है, कुछ पल कुछ क्षणों के लिए बुराई आए वो एक अलग बात है, थोड़े समय के लिए कुछ बुरे विचार किए वो एक अलग बात है, फिर से अच्छे विचारों की ओर मनुष्य मुड़ कर आ गया, वापस आ गया लौट कर, ये एक अलग बात है। परंतु पांचवा वचन हमें बताता है कि वो निरंतर बुराई ही करता रहते हैं, निरंतर बुराई उनके मन में है, इसलिए मैं उनको बनाने से, उनकी उत्पत्ति करने से मैं पछताता हूं, और मैं कुछ दिनों के बाद मैं उनको पृथ्वी पर से नष्ट कर दूंगा। देखिए आज हम हृदय की गलत स्थिति में से पहला मुद्दा देख रहे हैं जिसका नाम है बुरा हृदय। इस निरंतर बुराई करने वाले दिल को जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर क्रोधित हुए, खेदित हुए, अपने आप में पछताए, और उनको लगा कि मैं इन्हें मिटा दूंगा। और इनके कारण मैं सृष्टि को, मतलब जो रेंगने वाले जंतु है, आकाश के पक्षी है, पशु है, इन सबको मनुष्य की बुराई की वजह से मैं इन सबको मिटाऊंगा। परमेश्वर ने न्याय सुना दिया। देखिए अपने आप को पहचानिए, जब हमारा दिल निरंतर बुराई की ओर आगे बढ़ता रहता है, निरंतर हमारे दिल में बुरे विचार आते रहते हैं, हमारी कल्पनाएं बुरी आने लगती है, तब परमेश्वर हमारे हृदय को देखकर खेदित होता है, उससे बड़ा दुख लगता है कि जिस मनुष्य को मैंने इस धरती पर बनाया, जिसको मैंने अपने पुत्र को भेजकर उद्धार किया,
और जिसको मैंने अपने स्वर्ग में लेने के लिए एक भली मनसा से उसको मैंने पास बुलाने की कोशिश की, वही मनुष्य आज अपने दिल में पूरी तरह बुराइयों से भरा हुआ है। और प्रभु चाहता है कि इन दिनों में अपने दिल को जांचे, इस प्रकार जांचे, क्या बुराई मेरे दिल में तो नहीं है, क्या मेरे विचार तो बुरे नहीं है, क्या मेरे विचारों में जो कल्पनाएं उत्पन्न होती है वो तो बुरी नहीं है। और आगे हमको वचन हमको आगे सिखाता है, इस प्रकार लोगों की स्थिति थी और परमेश्वर को न्याय करना पड़ा। आज के संसार को और नौ के जमाने के संसार को आप आमने सामने जब देखेंगे, किस प्रकार देखेंगे, परमेश्वर के वचन को उठाकर यदि आप देखेंगे, परमेश्वर ने क्यों जल प्रलय के द्वारा उस संसार को न्याय किया, क्यों परमेश्वर ने उस जल प्रलय के द्वारा उस संसार को मिटाया, क्यों परमेश्वर ने ऐसा भयानक न्याय किया, एक ही वजह थी, बुरा हृदय। हृदय की बुराई, निरंतर हृदय में जो बुराई थी, इसको देखकर परमेश्वर ने न्याय लाया इस धरती पर। ये दिन भी वही है जिन दिनों में मनुष्य बुराई ज्यादा बढ़ रही और सत्य कम होता नजर आता है, बुरे लोगों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही और सत्य पर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम दिख रही, बड़े तादाद में बुराई का व्याप बहुत बढ़ चुका है और सत्य का प्रचार और प्रसार बहुत कम दिखाई देगा। और जब ऐसी स्थिति आपके नजर के सामने आ जाए, ये दृश्य आपको दिखने लगे, तो समझ जाना न्याय का होना नजदीक। ये बुरा हृदय परमेश्वर के न्याय को पुकार रहा है, परमेश्वर न्याय करेगा, और जब वो न्याय करेगा तो हम मनुष्य के लिए वो भयानक दृश्य होगा, हमारे लिए वो वाकई बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उस संसार में देखिए क्या क्या बातें हुई, परमेश्वर एक ऐसे इंसान को वहां देख रहा है कि चारों तरफ बुराई बढ़ रही, विचार बुरे हो चुके, कल्पनाएं बुरी हो चुकी और बुराई बढ़ने लगे हैं, परंतु वचन में लिखा है आठवें वचन में कि परमेश्वर की दृष्टि नूह पर ऐसी बनी रही, ऐसे लिखा है कि अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही, परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर बना रहा। क्यों परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर बना रहा, आप अनुग्रह शब्द की व्याख्या को किस प्रकार समझते, आइए हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही, इसका मतलब यह है इब्रानी भाषा में अनुग्रह खेल शब्द आया, उसका अर्थ है झुकना या मुड़ना। एक निम्न स्तर के व्यक्ति के लिए एक उच्च स्तरीय व्यक्ति ने अपने आप को झुका देना ताकि एक गिरे हुए इंसान को उठा सके, उसको बोलते परमेश्वर का अनुग्रह। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि नूह निष्पाप थे, परंतु उसका अर्थ यह हुआ कि नूह धर्मी थे, अपने समय के लोगों में खड़े थे और परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। ये था नूह का जीवन, ये विशेषताएं थी नूह के दिल के अंदर। करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में बुराई बड़ी व्यापकता से फैल रही है, बुराई हृदय पार कर रही है, परंतु एक इंसान के दिल में सच्चाई स्थापित हो रही, सच्चाई जगह बना रही, और वो इंसान अपने चारों तरफ की इस बुराई को देखते हुए भी अपने आप में परमेश्वर के डर को समाये रहा, अपने दिल में ईश्वर की बातों को रखे रखा उसने, और दिल से परमेश्वर का भय मानने लगा। चारों तरफ की इस बुरी बातों को देखकर भी नूह चारों तरफ से ईश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। ये मनुष्य की दृष्टि से देखने वाली बातें नहीं, ये ईश्वर की दृष्टि ने
नूह के दिल को देखा, हृदय को देखा और परमेश्वर को ये मालूम पड़ा कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। नूह अपने समय के लोगों में खरे है। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक इंसान है। आज आपकी स्थिति क्या है? क्या उस न्याय की चपेट में आने वाले करोड़ों लोगों में से आपका दिल है? जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई उस नूह के परिवार के समान आपका दिल है? किस दिशा में आपका दिल जा रहा है? क्या आपका दिल धर्मी बनने के लिए अपने दिल की झुकाव, अपने दिल की दिशा धर्मी बनने के लिए जा रही है? आपकी हृदय की दिशा अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति बनने के लिए जा रही है? क्या आपका दिल परमेश्वर के साथ साथ रह रहा है? किस चीज को आप देख रहे हैं? अपने दिल में किस बात को देख रहे हैं? कौन सी दिशा को आप देख रहे हैं? मैं नूह के जमाने की उन दिनों की उस बुरे हृदय की स्थिति को कुछ समय आपके सामने कुछ बातें रखकर मैं प्रार्थना के साथ इस विषय को, आज के इस मुद्दे को पूरा करना चाहता हूं। क्या बातें थी? जब आप लुका की किताब और उसका 17वां अध्याय पढ़ेंगे, 27 से आगे कुछ वचन पढ़ते तो ऐसे लिखा है, ये अंतिम दिनों की बातें लिखते लुका, मत्ती भी लिखते 24वें अध्याय के अंदर, कई जगह लिखा गया, दूसरे पत्रस में लिखा गया और कई जगह नूह के समय की चर्चा की गई। मैं आपको लुका की किताब से एक दो वचन समझाना चाहता हूं। ऐसे लिखा है कि उन दिनों में लोग खाते पीते थे और विवाह हो, के दिनों की दो मुख्य निशानियां, दो मुख्य चिन्ह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या होता था? लोग खाते पीते थे, विवाह होते थे, इसका मतलब हो रहे थे, और खाने पास खाने पीने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। इसका मतलब खाना पीना और विवाह करना गलत है? नहीं, ऐसा नहीं। खाना पीना गलत नहीं, इंसान खाना पीना नहीं करेगा तो वो जिएगा नहीं। अगर वो विवाह नहीं करेगा तो परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर कैसे पूरी होगी? विवाह भी करना उचित है, खाना पीना भी गलत नहीं है। पर देखिए, उस जल प्रलय के न्याय की बातें नूह के मुख से सुनने के बाद भी लोगों ने सच्चाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये उनकी गलती। नूह जब 120 सालों में बीच बीच में कई बार जाकर नूह ने प्रचार किया कि देखिए, कुछ ही दिनों के बाद में परमेश्वर इस धरती पर एक बड़ा जल प्रलय लाकर मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु और पक्षी, इन सबों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चाताप करो, पापों से तोबा करो, अपने आप को परमेश्वर की ओर लेके आओ, अपने मन को बदलो। इस प्रकार का प्रचार 120 सालों के अंदर कई बार करते रहे, लेकिन एक तरफ सुनने के बाद भी लोग खाने पीने में उनका दिल लगा रहा। सच्चाई सुनिए, एक तरफ न्याय के बारे में प्रचार हो रहा है, न्याय होगा, अपने आप को संभालो, संभल जाओ, पश्चाताप करो, लौट आओ। कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर इस धरती पर न्याय लाने वाले हो, जल प्रलय होगा और कई मनुष्य मर जाएंगे। इस न्याय के सुसमाचार को, इस न्याय के संदेश को, इस न्याय की बातों को किसी ने सुना नहीं, सुना पर समझा नहीं, और न समझा इसलिए उन्होंने माना नहीं। आज भी लोग, आज की स्थिति में भी लोग आपको इसी प्रकार दिखाई देंगे, सुनेंगे सही, समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं इसलिए मानेंगे नहीं। उनको इन न्याय के संदेश से ज्यादा खाने पीने की बातों में रुचि थी। अपना तो खाना पीना चलता रहे, संसार कहीं भी जाए, संसार की स्थिति कहीं भी जाए, परमेश्वर की योजनाएं और इच्छाएं कहां है, कब हम ढूंढेंगे, कब इन बातों को हम खोजेंगे, कब इन हालातों को देखकर अपने दिल को बदलेंगे, कब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सत्य में
बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही वो दिन है जिन दिनों में हमें अपने आप को देखना है कि हम भी उस नौ के जमाने के लोगों के समान परमेश्वर के न्याय से बढ़कर खाने पीने की चीजों को महत्व दे रहे हैं। हम किस बात को अपना दिल महत्व दे रहा है? उन्होंने इस जल प्रलय के न्याय से बढ़कर खाने पीने की चीजों में मन लगाया। आज सुनिए, जितने भी लोग परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे, गलत हृदय की स्थिति के पहला मुद्दा जो बुरा हृदय, इस हृदय को सुन रहे आपको जांचना चाहिए। दूसरी बात होती रही, विवाह होते रहे। शायद नूह उन दिनों में जितने भी बड़े बड़े विवाह होते थे उन सब जगह जाकर उन्होंने बोला कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय लाने वाले हैं, बुराई को छोड़ो, पश्चाताप करो, पापों से तौबा कर लो और लौट आओ परमेश्वर की ओर। और लोगों ने सुन लिया पर लोगों ने बोला ये बूढ़ा पागल हो गया है। जल प्रलय से बचने के लिए जहाज बनाना है, उसके बच्चे भी पागल हो चुके, उसकी पत्नी और उनकी बहुएं भी पागल हो चुकी, ये सब लोग एक जहाज बना रहे जिसमें वो कह रहे कि जल प्रलय आ रहा है। पर दोनों ने परमेश्वर की आवाज को सुना था और उस आवाज को सुनने के बाद उन्होंने उस जहाज को बनाने के लिए शुरू किया था, जिस जहाज में अपने परिवार को आगे चलकर उस महाजल प्रलय से बचाने जा रहे थे। एक तरफ नूह ने परमेश्वर की आवाज लोगों को बताई, किसी ने नहीं सुना। सुन तो लिया, समझे नहीं, इसलिए उन्होंने आचरण नहीं किया, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, वो विवाह करते थे, ठट्टा किया, मजाक किया नूह की बातों पर, विवाह की बातों में लगे रहे, परमेश्वर की न्याय को नहीं बेचा। आज आपकी स्थिति किस आवाज की और आपका दिल लगा हुआ है? क्या सच में परमेश्वर के इस पवित्र वचनों की आवाज को सुनने के लिए आपका दिल इन वचनों की तरफ है? मैं बार बार इस बात को दोहराता रहूंगा कि आपका पवित्र ईश्वर जिसने आपको उद्धार दिया, आज पवित्र आत्मा हमारे साथ हमें इस बात को सिखाने के लिए, बताने के लिए, इस बात को हमें समझाने के लिए कि पाप से दूर रहो, न्याय कुछ ही दिनों में आने वाला है, संसार पर न्याय आने वाला है, आप बच जाओ, जागृत रहो, आप जागते रहो। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं? एलिया ने एक बार आने वाली बारिश की आवाज को सुन लिया था, क्या आप इन दिनों में आने वाले न्याय की आवाज को सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन में जो न्याय के बारे में लिखा है, न्याय का मतलब क्या है? वो अंतिम न्याय नहीं है, न्याय का मतलब ये है कि जब वो इस धरती पर अपने पुत्रों को, अपने बेटे बेटियों को लेने आएगा, यहीं से न्याय का आरंभ होता है। इसलिए बोला रहा इसने, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, मैं किस घड़ी किस दिन आऊंगा ये नहीं मालूम, पिता जानते मुझे कब भेजेंगे और मैं आपको कब लेने आऊंगा, इसलिए आप निरंतर जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। उन्होंने बोला था, उन्होंने हमको सतर्क किया है। इन दिनों में मुझे पता नहीं आपका दिल किसकी आवाजों को सुन रहा है, हमें परमेश्वर के सत्य वचनों की आवाज को सुनना है। इन स्थितियों में आप कि दिल आपका दिल परमेश्वर के वचनों की ओर लौट आई, लौट आओ पूरे दिल के साथ परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचनों की ओर आपका दिल लगा है, उसकी भक्ति में आपका दिल लगा है और नूह के समान धर्मी बनने का प्रयास करें। अपने समय के लोगों में एक खरे अच्छे व्यक्ति के रूप में आपको प्रस्तुत हो, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक दिल बना लीजिए। एक और बुरा हृदय था
कुछ 5 मिनट बोलकर मैं प्रार्थना की ओर जाना चाहता हूँ। आपको पता है लुका की इस किताब में 17वें अध्याय और उसके 28 और 29 पदों में क्या लिखा है। लूत के समय में भी लोगों की हृदय की स्थिति वही थी, लोगों का दिल ऐसा ही बुरा था लूत के समय में, एक नूह के समय में भी, और नूह के समय के पश्चात फिर एक बार पृथ्वी बढ़ गई और पृथ्वी पर लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में फैलती चली गई। और कुछ ही दिनों के बाद सदोम और गमोरा का, सदोम और गमोरा शहर का नाश होता है इसी बुरे हृदय की वजह से। उनके बारे में क्या लिखा है, 4 बातें लिखी। वो लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। इन्हीं 4 बातों में उनका पूरा जीवन जा रहा था। उनको परमेश्वर और उसके भाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसके बारे में कुछ ही पता नहीं था, खाने पीने लेन देन करने पेड़ लगाने घर बनाने। इस संसार में एक छोटी सी जिंदगी, उस जिंदगी को जीने के लिए इंसान 2400 घंटे लगा पड़ा है। एक बात सोचिए, इन 4 बातों में रहकर उन लोगों ने, उन लोगों का विवेक इतना बुरा हो गया, मानो उन लोगों का विवेक इतना अंधा हो चुका, इतने गहरे पाप में उन लोग डूब गए कि जब लूत के घर में शाम के समय स्वर्गदूत आए और रात के समय जाकर उन स्वर्गदूतों को बाहर निकलकर उनके साथ भोग करने के लिए उनका दिल इस पाप की ओर मुड़ गया। देखिए सुने ना, कितनी सतर्क रहने के लिए हमारे सबके लिए एक अच्छी बात है। एक तरफ उन्होंने अपना दिल उन स्वर्गदूतों को देखकर प्रणाम करके घर पर लाए, हाथ पर धुलाए, खाना बनाया और इनकी पहनाई करने में लूत का दिल लगा हुआ है कि मेरे घर आज स्वर्गदूत आए, प्रभु के जन आए। और एक तरफ शहर का दिल देखिए, शहर के लोगों का दिल देखिए, वहां लिखा है बूढ़े थे जवान थे और नूह के घर के चारों ओर से लोग आए और दरवाजे को खटखटाने लगे और पुकार पुकार कर बोलने लगे, इन पुरुषों को बाहर निकाल दीजिए, हमें अंदर आने दो, हम उनके साथ कुकर्म करें, भोग करें, पाप करें। इनका दिल देखिए कितनी बुरी तरह से पाप के गहरे सागर में डूबा था और इसलिए परमेश्वर ने सदम और अमोरा पर न्याय दंड लाने का यही कारण था। हृदय बुरा था, विचार हृदय के बुरे थे, कल्पनाएं देखिए ना कितनी बुरी है। स्वर्गदूतों तक कुकर्म करने के लिए इनका दिल दौड़ा चला जाता है। यही वो दिल था, वही यही वो दिल है जो परमेश्वर के न्याय दंड को लाता है। प्रियजनों, आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, इस संसार की बुरे हृदय वाली स्थिति से बाहर यदि इन दिनों में इन परिस्थितियों में प्रभु की आवाज सुनने के लिए अपने आप का दिल आपने बंद कर दिया, वचनों को सुनकर समझकर मानकर चलने के लिए आपका दिल आपने रोक रखा, मुझे पता नहीं कुछ ही दिनों के बाद एक भयानक न्याय इस धरती पर आएगा। प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं, प्रभु अपने लोगों को तैयार होने के लिए कई बार चेतावनी दे चुके, संकेत उन्होंने दे दिए हैं। अगर इन संकेतों को सुनकर, इन चेतावनियों को सुनकर, इन सूचनाओं को सुनकर यदि आप तैयार नहीं हुए तो नूह जैसे बोलते बोलते वचन को समझाते समझाते जहाज पूरा हो गया, जहाज बना दिया, परमेश्वर की ओर से एक आदेश आया, नूह इन पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, पालतू पशुओं के साथ, जंतुओं के साथ, जो सब जोड़ी जोड़ी शुद्ध और अशुद्ध जोड़ी जोड़ी आ रहे हैं, सब जहाज में जा चुके। परमेश्वर की आवाज आई, नूह आप अपने बेटों
बहुएं समेत अपने पति को लेकर आप भी जहाज में चले जाओ। परमेश्वर की न्याय की आवाज आ चुकी। आज से थोड़े ही दिन बाद, कुछ ही दिन बाद, तुरी की आवाज हमारे कानों तक आने वाली है। स्वर्गदूतों की वाणी सुनाई देगी, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेंगे, बादलों पर आएंगे हमें लेने के लिए। आप किसकी आवाज को सुनने के लिए आपका दिल किन आवाजों की ओर है? नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। नूह अपने घराने समेत चला गया जहाज। क्या प्रभु आज इस आवाज को हम सुनना चाहते जिससे नूह ने सुना, तो नूह के समान जीवन हमें बिताना होगा। कुछ ही दिनों के बाद, थोड़े ही समय के बाद, तुरी लिए स्वर्गदूत खड़े हैं। बस एक फूंकने की, कुछ क्षण फूंकने की बाकी, तैयारी हो चुकी है। बात ये है, आप जाने के लिए तैयार है। नूह जहाज में चला गया। परमेश्वर हो सकता अपने स्वर्गदूत के द्वारा, खुद वचन में लिखा है कि खुद यहोवा ने दरवाजे को बंद कर दिया। ये अनुग्रह का युग है, ये कृपा का युग है। कुछ ही दिनों में कृपा के युग का अंत होने वाला है। अनुग्रह का युग समाप्त होने की कुछ ही समय बाकी, कुछ ही समय, गिने चुने दिन बाकी। जैसे ही अनुग्रह का युग का दिन समाप्त होगा, तुरी ही फूकी जाएगी, स्वर्गदूतों की वाणियां प्रकट हो जाएगी, बादलों के साथ प्रभु स्वर्ग से उतरेगी हवा में। मसीह में जो मरे हुए वो पहले उठेंगे, जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, और प्रभु को मिलने के लिए हम जाने वाले। क्या आपका दिल प्रभु की ओर है? जिस ही प्रभु ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, आसमान के झरोखे खुल गए, पृथ्वी में से पानी के झरोखे खुल गए, नीचे से और ऊपर से पानी आता चला गया और जहाज पानी के ऊपर तैरता चला गया। पानी बढ़ रहा है, 40 दिन 40 रात, एक एक दिन बढ़ रहा है। क्या बच्चे और क्या गर्भवती स्त्रियां, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबके सब चिल्ला 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 कर उस जल प्रलय में मर गए। सुना नहीं, मर गए। कुछ ही दिनों बाद हर कोई इंसान, हर कोई जानवर, हर कोई पालतू पशु, हर कोई जंतु की वजह से उनका दिल सही था, उनका दिल परमेश्वर के प्रति वफादार था, उनका हृदय परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए लगाया था। आप निर्णय लीजिए। आइए हम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। हमारे जीवित और दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन दिनों में आप हमसे जिस स्थिति से, जिन वचनों से, जिस मनसा से हमसे बात कर रहे हैं, प्रभु जी आपका आना बिल्कुल करीब है। वर्तमान की ये परिस्थिति हमें सिखा रही है, आपके पवित्र वचन का पूरा होना हमें सिखा रहा है कि आप जल्द ही हमें लेने के लिए आने वाले हैं। परमेश्वर हमारे अंदर की बुराई निकाल दीजिए। आज हम आपके सम्मुख जब कुछ समय आपके वचनों को मनन कर रहे, आप हमारे दिल को देख रहे, जहां हम बैठे हैं, जिस स्थितियों में हैं, उन स्थितियों में हमारे दिल की ओर आप झांक रहे,
हमारे दिल के विचार बदल जाए, हमारे दिल की कल्पनाएं बदल जाए, हमारा हृदय आपकी ओर लौट आए, आपकी आवाजों को सुने, आपके वचनों के अनुसार चलने वाला बने, ऐसा दिल हमें दे दीजिए। हम पर रहम करें और आपकी दिशा में चलने के लिए, आपके वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए आप हमारे दिल को सही कर दीजिए। प्रभु जी, इन वचनों को जितने लोगों ने सुना है, जो लोग इन पवित्र वचनों को सुनते हैं, उनके दिल को बदलने के लिए आप कृपा कर दीजिए। यीशु के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन।